पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग क्रिमिनोलॉजी में बात करेंगे प्रिजन सिस्टम इन इंडिया के बारे में। सो इसकी मीनिंग क्या है? प्रिजन इज अ प्लेस और एरिया वेयर द प्रिजनर्स आर केप्ट। बहुत ही बेसिक सी चीज है, प्रिजन एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रिजनर्स या फिर ऑफेंडर्स को रखा जाता है। दे आर रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। द कन्विक्ट्स आर केप्ट इन प्रिजन टेम्प्ररी और परमानेंटली। कन्विक्ट्स को प्रिजन में रखा जाता है, वो टेम्प्ररी भी हो सकते हैं और परमानेंटली भी हो सकते हैं। अब प्रिजन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू मेक अ प्रिजनर अ बेटर ह्यूमन बींग। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रिजनर को एक बेटर इंसान बनाया जा सके, सो दैट ही मे बिकम अ गुड सिटीजन, ताकि वो एक गुड सिटीजन बन सके एंड अ यूजफुल पर्सन फॉर द सोसाइटी इन द फ्यूचर, और सोसाइटी के लिए एक थोड़ा काम का इंसान बन सके आगे भविष्य में। ठीक है, देर आर वेरियस मीन्स लाइक प्रिजन लेबर, एजुकेशन एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा। ठीक है, प्रिजन लेबर भी होता है, यानी कि प्रिजन में भी जो प्रिजनर्स होते हैं उनसे काम कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रिजन के बारे में। तो तीन काइंड्स होती हैं। सबसे पहला पेनिटेंशियरी प्रिजन, इसका मतलब ये है द अडल्ट ओल्ड एंड मैच्योर्ड क्रिमिनल्स आर केप्ट हियर। जो थोड़े से एज में ज्यादा होते हैं लोग, जो थोड़े से एज में ज्यादा होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, अडल्ट होते हैं या बूढ़े होते हैं, उनको इन प्रिजन में रखा जाता है। सेपरेट अरेंजमेंट इज मेड इन दीज प्रिजन फॉर क्रूल एंड हार्डन्ड क्रिमिनल्स। एक सेपरेट अरेंजमेंट किया जाता है इस तरीके के क्रिमिनल्स के लिए जो कि थोड़े से ज्यादा खूंखार होते हैं। दे आर केप्ट इन सेपरेट सेल्स, उन्हें सेपरेट सेल्स में रखा जाता है। फिर बात आती है रेफॉर्मेटरी सेल्स के बारे में। सो माइनर एंड ग्रोन अप ऑफेंडर्स आर केप्ट इन सच हाउसेस। जो माइनर होते हैं या थोड़े से जो ग्रोन अप होते हैं, ज्यादा मतलब जिनकी एज नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती है, और माइनर को भी इन रिफॉर्मेटरी सेल्स में रखा जाता है। द एज ऑफ सच ऑफेंडर्स इज बिटवीन 16 to 30। 16 से 30 साल तक के उम्र के ऑफेंडर्स को इन रिफॉर्मेटरी सेल्स में रखा जाता है। एंड द वुमेन आर ऑल्सो केप्ट इन दीज प्रिजन्स, और वुमेन को भी इन्हीं प्रिजन्स में रखा जाता है। अब बात करते हैं करेक्शनल हाउस के बारे में। ऑल दोज पर्सन About whom the court believes the prospectors of reformation are kept in correctional house. देखो, जिन prisoners के लिए या फिर जिन offenders के लिए court को लगता है कि ये खुद को reform कर सकता है या reform करने की चाह रखता है, तो ऐसे prisoners को रखा जाता है correctional houses में। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे prison system के बारे में, क्या उसका meaning है, क्या objective है, कितने तरीके के prisons होते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।